हे गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे 8 टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपके एंड्रॉयड स्मार्टफोन की स्पीड और अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड, आपको ये तो पता होगा एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स अच्छे प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज की वजह से तेज चलते हैं, मगर कुछ समय बाद अनयूज्ड फाइल्स, फोल्डर्स और कैश डाटा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारे स्मार्टफोन्स की स्पीड कम हो जाती है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ ऐसे 8 तरीकों के बारे में जिनसे आप अपने स्मार्टफोन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात है अपने होम स्क्रीन को एकदम क्लीन रखें। जी हाँ, होम स्क्रीन को क्लीन करते ही आपकी फ़ोन की स्पीड बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और यहाँ फ़ोन की होम स्क्रीन क्लीन करने का मतलब है लाइव वॉलपेपर, वेदर, न्यूज़ जैसे विजार्ट लगाकर हम खुद को हमेशा अपडेट करते रहते हैं, जिससे वो बैकग्राउंड में भी बहुत प्रोसेस लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता चलता, और जिसके वजह से फ़ोन की स्पीड स्लो हो जाती है। और ऐसे ही सेम चीज़ हम लोग मल्टी विंडो यूज़ करते हैं तो ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। हम लोग ऐसे ही कई सारे फाइल्स को ओपन करते हैं और उसको बैकग्राउंड में रख देते हैं। हम लोग को यूज्ड हो या ना हो, हम लोग उसको बैकग्राउंड में रखते हैं पर ये नहीं जानते कि उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। वो बैकग्राउंड में तो चलते रहते हैं पर उससे हम लोग के फ़ोन बहुत ही स्लो वर्क करते हैं। और दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, डेटा सेवर ऑप्शन इनेबल करें। तो आइए अब हम जानते हैं कि डेटा सेवर को हम लोग इनेबल कैसे कर सकते हैं। डेटा सेवर ऑप्शन इनेबल करने से आपको क्रोम ब्राउजर में कम समय और कम डाटा में आपकी तेज सर्फिंग की मदद मिलेगी, हालांकि डेटा की स्पीड मायने नहीं रखती। तीसरा ऑप्शन है ऑटो सिंक स्विच ऑफ। ज़्यादातर फ़ोन में ये ऑप्शन सेटिंग में होता है और ऑटो सिंक वाले ऐप्स को आप वहां जाकर देख सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से आप ऑटो सिंक को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। फोर्थ टिप्स है कि कैच डेटा क्लियर करें। कैच क्लियर करने से आप अपने फ़ोन की स्पीड बेहतर बनाने के तरीके तो जानते होंगे। कैच डेटा को साफ करने के लिए कई तरह ऐप्स आते हैं, कुछ स्मार्टफोन में इस फीचर्स के साथ इनबिल्ट फ़ोन मैनेजर होता है। फिफ्थ जो टिप्स है, आपके मोबाइल में तो कई सारे ऐसे ऐप्स होंगे जो आप कभी कभी यूज करते होंगे, तो ऐसे ऐप्स जो आप कम यूज करते हैं उसको डीएक्टिवेट करें, क्योंकि आपके स्मार्टफोन में कुछ ऐसे बैकग्राउंड ऐप्स होते हैं जो आप कम यूज करते हैं पर वो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, तो वैसे ऐप्स को डीएक्टिवेट कर सकते हैं आप। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके मोबाइल के रैम व प्रोसेसर पर लोड कम होगा। फ़ोन में जो आपके एक्टिव ऐप्स होंगे उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उनको रन करने के लिए और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। सिक्स टिप्स की बात करें तो कस्टम रैम। कस्टम रैम तो आपने बहुत सुना होगा कि आप अपने मोबाइल में रैम बढ़ा सकते हैं, रैम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप ये तभी कर सकते हैं जब आपको स्मार्टफोन रूटिंग की अच्छी जानकारी हो, तो उसकी मदद से आप कस्टम रैम क्रिएट कर सकते हैं। इससे लेटेस्ट फीचर एंड्रॉयड का नया वर्जन यूज कर पाएंगे आप। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट। आपके फ़ोन में कई सारे अपडेट्स आते होंगे, आप सेटिंग में जाके उसे चेक भी कर सकते हैं। अगर वहाँ अपग्रेड के लिए दे रहा है तो आप उसे अपडेट कर लें, और अपडेट करने के बाद आप इसका लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के बग खत्म होंगे और मोबाइल का लोड भी कम होगा। 8 टिप, फैक्ट्री रीसेट। अगर आप रूटिंग को जानते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट का ऑप्शन नहीं है और कोई थर्ड पार्टी का ऐप्स नहीं यूज करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप फैक्ट्री रीसेट का यूज करें और ये ऑप्शन आपको सेटिंग पर मिलेगी। और हाँ फ्रेंड्स, हालांकि फैक्ट्री रीसेट करने से पहले मोबाइल डेटा का बैकअप जरूर बना लें, इससे आपके सारे पिक, वीडियोस, कंटेंट, मैसेजेस और आपके मोबाइल में जितने भी फाइल्स हैं सारे डिलीट हो जाएंगे। तो बैकअप बनाकर तब ये टिप्स इस्तेमाल करिएगा आप। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।